वसम गाइस, तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूं कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर लेंगे। तो आप लोग इस वाले वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई ना कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है, एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देगा आप लोगों को। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी फोटो को एडिट करना सिखा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइड में आपको बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे और इसकी हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -61% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप देखते रहिएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। सिंपल से इसकी शैडो की वैल्यू मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में 54% कर लेता हूँ, इसकी वाइट्स की वैल्यू भी मैं ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 35% और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -18% कर लूंगा। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो की ना लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। तो गाइस हम लोग का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, अपनी फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं। और इस स्टेप के बिना तो आप कभी फोटो एडिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। बस इस स्टेप को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आप कंप्लीट फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ना इसकी कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे और कर लेने के बाद कुछ सेटिंग को यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना होगा और इसके बिना एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसकी टिंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे, इसकी टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके ना प्लस साइड में 42% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सेटिंग आप देखते रहिएगा। सिंपल से आप लोग को यहाँ पे ना एक छोटी सी टिप्स को यूज करना होगा, आपको मिक्स टूल के बगल में ना एक ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, तो इस पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग सिंपल से शैडो वाले में आके और अपनी फिंगर से ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आने के बाद इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे और इसकी बैलेंस की वैल्यू भी ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर देंगे। और सिंपल से आप लोग को इसकी हाईलाइट वाले सेक्शन में आना होगा और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट के नाम लोग ऐसे ब्लू साइड में कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप इसे कीजिएगा, तभी आप अपनी फोटो को अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे। सिंपल से यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसकी ह्यू की वैल्यू 216 रखा है और सिचुएशन को यहाँ पे 63। और सिंपल से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डन क्लिक कर दूंगा और डन क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इतना सारा काम कर लिए तो एक स्टेप और आप कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ह्यू की वैल्यू मैं ऐसे डिक्रीज करके -38 कर लेता हूँ, सैचुएशन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 84% कर लेता हूँ और सिंपल से क्या करूंगा, एक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करूंगा, इसकी सैचुएशन की वैल्यू मैं ऐसे इंक्रीज करके 44% कर लूंगा और इसकी ह्यू की वैल्यू भी ऐसे मैं इंक्रीज करके क्या करूंगा 19% प्लस साइड में कर लूंगा। सिंपल से गाइस अगर आप इतना काम कर लिए तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखते रहिएगा। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे और इसकी ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100% कर देंगे। देन दोस्तों येलो कलर को लेंगे और इसकी भी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके यहां से ना हम लोग -100% कर देंगे, सैचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 100% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिंपल से अपनी फेस वाले
पहले कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि ऑरेंज कलर होता है, और कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे यहाँ से डिक्रीज करके ना आप -20 कर लीजिएगा, ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 17% और यहाँ पे आप डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद ना सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो होता है ना टेम्प की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करके प्लस साइड में 12 कर लेंगे और इसकी टिंट को भी हम लोग 12 कर लेंगे। और सिंपल ये सारी सेटिंग करते ही ना ऑल्ट वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज इतना सारा अगर आप काम कर लिए हैं तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा जिसके अंदर आपका भाई ये बताएगा ना कि कैसे आप अपनी फोटो को फुल HD में एडिट करेंगे, और ये वाला स्टेप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वाले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग इफेक्ट के आइकन पे जाएंगे और इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके -26 कर लेंगे, इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे कम करके यहाँ से 24% कर लेंगे और इसकी क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -4 कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू 4 कर देंगे प्लस साइड में, डीआईएस की वैल्यू भी 4 कर देंगे प्लस साइड में। और ये सारी सेटिंग करते ही ना ऑल्ट वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज लास्ट स्टेप हम लोग का ये है ना कि कैसे आप अपनी फोटो के अंदर डिटेल्स को ऐड करेंगे और इसके बिना आपकी फोटो ना अधूरी है। तो उसको डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से डिटेल्स के आइकन पे आएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 28% कर देंगे प्लस साइड में, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 55% कर देंगे, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 28% कर देंगे और इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 37% कर देंगे और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ऑल्ट वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगा जो देखने में काफी उत्सम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल HD में सेव करने के लिए सर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट करना तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप अपनी फोटो को वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।